वो है ग्लोबल स्किल पार्क की 550 करोड़ रुपए की लागत से। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एक देश का एक अपना अलग इतिहास रखता है। जबलपुर कैंट विधानसभा विधायक अशोक ईश्वर दास रोहाणी को जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन के उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के नई इमारतों का उद्घाटन हो रहा था। उन्होंने कॉलेज की प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा की और कहा कि आने वाले भविष्य जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए ही है। नमस्कार, आज हम आए हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे नए डिपार्टमेंट के इनॉग्रेशन के लिए माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी को इनवाइट किया गया है। तो आप इसके बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एक देश का एक अपना अलग इतिहास रखता है, इसके निरंतर विस्तार की आवश्यकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री जी द्वारा लगातार इस पर प्रयास किए गए, और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग से नए फैकल्टी के लिए जो बिल्डिंग है वो तैयार है, और निश्चित रूप से इससे छात्र छात्राओं को बहुत लाभ मिलेगा। आने वाला कल जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का है, क्योंकि इसमें आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने दी है, वो है ग्लोबल स्किल पार्क की 550 करोड़ रुपये की लागत से। यह जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर के लिए और महाकौशल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी धन्यवाद। उन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में भी उल्लेख किया, जिसका निर्माण पहले बेड़ाघाट में होने वाला था, लेकिन उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 25 एकड़ जमीन प्राप्त की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्रियों से इस प्रोजेक्ट को जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को सौंपने की अपील की। इंजीनियरिंग कॉलेज की एक अपनी पहचान है पूरे देश, और इंजीनियरिंग कॉलेज को बहुत बड़ी जो सौगात मिली वो मिली ग्लोबल स्किल पार्क की। वो कैसे मिली उसकी मैं आपको इससे भी आपको बता रहा हूँ। ये जाना था भेड़ाघाट, हमें प्राचार्य जी ने फोन किया कि ये हम 25 एकड़ जमीन दे सकते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी से बात करिए कि ये ग्लोबल स्केल पार्क जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर खुलेगा तो छात्र छात्राओं के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं व्यक्तिगत मिलने गया तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, बोले सर इससे अच्छा कोई प्रस्ताव हो नहीं सकता, बोले 25 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भेजो, मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ तो ग्लोबल स्किल पार्क जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राओं के लिए अलग से कोई सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्किल में ध्यान है तो स्किल भी सीख। अब हम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के साथ कुछ खास बातचीत करेंगे, उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें। मेरा नाम अरुणिश नेमा है, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, 5th सेमेस्टर में अभी अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम नितिन राय है, मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो अरुणिश एंड नितिन, आप ये बताइए कि अभी जो हम आपके कॉलेज में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नया बना है, तो इससे क्या चेंजेस आएंगे कॉलेज में? जी मुझे ये लगता है कि आने वाला जो समय है वो इन्हीं सब जो ब्रांचेस का है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करा गया और मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को ऐड करा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसी प्रकार मैं भी बताना ये चाहूँगा, जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स जो ब्रांच है ये एक तरह से रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ब्रांच है। जैसे कि आप कई गाड़ियों में, जैसे टेस्ला से गाड़ियों में देखे होंगे कि उसमें ऑटोमेशन की यूज हुआ है बहुत अच्छी तरह से, और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैकेट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। और मैकेट्रॉनिक्स का ये भी अर्थ है कि ये जैसे कि कुछ जगहों पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग ब्रांच होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग लिए जाते हैं, पर हम मैकेट्रॉनिक्स के तहत ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का स्टडी एक साथ करा सकते हैं, जिससे किसी भी हायरिंग के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो जहाँ दो लोग की ज़रूरत पड़ी वहाँ एक बंदा ही काफ़ी रहेगा। और बात करें तो इसके स्कोप के बारे में, तो काफ़ी बड़ा स्कोप इसका है टेक्नोलॉजी के मामले में, और एडवांसमेंट हो ही रहा है, ऑटोमेशन हो ही रही गाड़ियाँ, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच है और ये अच्छी साबित होगी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आगे चल के ये मैं चाहूँगा कि हर एक कॉलेज में इस ब्रांच को ऐड किया जाए। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो दो ब्रांचेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इन दोनों का स्कोप आप बता दीजिए। जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 5th सेमेस्टर से हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से, तो मेरे को 5th सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कोर सब्जेक्ट की तरह है, और जो आप जिस तरह भी देख रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है,
और अभी हमें ये एक सब्जेक्ट था और जिसको एक ब्रांच बना दिया गया है। मतलब कितनी वास्ट स्टडी करी जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये पता लग सकता है। और जो जिस तरह का आप अभी टाइम देख रहे हैं कि सब चीज़ें एआई से हो रही हैं, आप देखें तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं किसी की भी आवाज़ में एआई के थ्रू। आप चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसमें आप जो पूछें उससे वो आपको वो बताएगा। और इसी तरह से आप जो किसी आप एक वेबसाइट बनवा सकते हैं जैसे कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज़ करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम का जो है ये ब्रांच है और बहुत ही अच्छी ब्रांच जो है हमारे कॉलेज में ऐड हुई है।